इससे ज्यादा अच्छा बैटरी ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं क्यों फिर इस कार की तरफ जाऊं। तो मुझे तो लगता है यार इससे बेटर मैं कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लूं। बट आपने ये भी तो देखा होगा कि इंडियन सड़कें कैसी हैं, कितने गड्ढे, कितने स्पीड ब्रेकर्स इंडियन सड़कों में हैं, ग्राउंड क्लियरेंस कार की बिल्कुल। सो गाइस, जैसा आप देख ही रहे होंगे लास्ट कुछ डेज में काफी सारा रिव्यूज आए हैं MG की न्यूली लॉन्च कार, ईवी कार कॉमेट के बारे में। काफी यूट्यूबर्स ने इस कार को कवर किया है। मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था इस कार के लिए, इस कार के ऊपर वीडियो बनाने का, बिकॉज पर्सनली ये कार ने मुझे ज्यादा इम्प्रेस नहीं किया। बट जब MG ने इसके प्राइस रिवील किए, उसके बाद मुझे लगा यार इस बारे में बात करनी चाहिए एंड अपना ओपिनियन रखना चाहिए इस कार के बारे में। सो गाइज, जैसा हम सब जान गए हैं इसके प्राइस रिवील हो चुके हैं एंड जो MG ने इसके प्राइस रखे हैं इस कार के, पहली बात इसमें एक ही वेरिएंट आ रहा है एंड इसके जो प्राइसिंग रखे गए हैं वो अराउंड 800,000 रखे गए हैं। एंड ये प्राइसिंग जो MG ने रखी है तो सीधे सीधे इसका कॉम्पिटिशन हो जा रहा है टाटा टियागो EV के साथ। एंड इस टाइम इन दोनों कार के बीच में क्या बेटर ऑप्शन है एंड क्या कार, कौन सी कार आप ऑप्ट कर सकते हो, तो इस बारे में आज हम जानेंगे एंड बताएंगे आपको कि पर्टिकुलर इस कार का जो MG की कार आ रही है कॉमेट, इसमें क्या चीजें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सीधे सीधे कंपेयर करेंगे MG कॉमेट को टाटा टियागो EV के साथ एंड देखेंगे कि कौन सी कार बेटर है एंड कौन सी कार ज्यादा प्रैक्टिकल है एंड कौन सी कार हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है और हमें किस कार की तरफ जाना चाहिए। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कॉमेट के बारे में, इस न्यूली लॉन्च्ड कार में क्या क्या चीजें हमें मिल रही हैं एंड ओवरऑल क्या स्पेसिफिकेशन है इस कार की। सो गाइस, अगर इस कार की मैं बात करूं, ये कार आपको एक ही वेरिएंट में मिलेगी एंड ये कार 17.3 किलोवाट की बैटरी के साथ आती है जो 41 BHP की पावर जनरेट करता है और 110 Nm का टॉर्क। सो गाइस, अगर मैं इसे कर्व वेट की बात करूं तो 815 kg की ये कार है, 815 kg इसका कर्व वेट है। एंड बात करूं इस कार के रेंज की तो ये कार आपको 230 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम कर रही है इस समय। तो अगर रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो 230 अगर कंपनी क्लेम कर रही है तो ये नियर अबाउट आपको 170-180 निकाल के दे सकती है या दे देगी, आराम से इजिली दे देगी आपको ये 180-190 के हिसाब से, बिकॉज इसका वेट भी काफी कम है एंड ये आराम से आपको इतना निकाल के दे देगी। इस कार में आपको कोई फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता गाइस, और जो इसका चार्जिंग ड्यूरेशन है, जो चार्जिंग टाइम है इस कार का, वो है 7 hours। इस कार में आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। टायर साइज की बात करूं तो 12 inch के टायर साइज इसमें आते हैं, काफी छोटे टायर आ रहे हैं। सो 800,000 एक्स शोरूम पे ये कार आपको मिल सकती है। सो अब बात करते हैं इसके कॉम्पिटिशन टाटा टियागो EV के बारे में एंड जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। सो गाइस, टाटा टियागो में आपको दो बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं, एक मिलता है 19.2 किलोवाट का और एक मिलता है आपको 24 किलोवाट का बैटरी ऑप्शन। ये कार आपको 60.3 BHP की पावर देती है और 110 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करती है। रेंज की अगर मैं बात करूं तो इस कार में भी आपको 250 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम कर रही है एंड रियल लाइफ सिनेरियो में ये कार आपको 180-190 किलोमीटर की रेंज दे देती है। इस कार में आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है गाइस, जैसा आपको कॉमेट में नहीं मिलता, बट इस कार में आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसका नॉर्मल चार्जिंग ऑप्शन के साथ इसको चार्ज करते हैं तो ये भी आपका 7-8 hours लेती है चार्ज करने पे, एंड अगर इसके फास्ट चार्जिंग के साथ आप इसको लेते हैं तो ये 3-4 hours में चार्ज हो जाती है 100%। इस कार में भी आपको फ्रंट डिस्क एंड रियर ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। सो गाइस, अगर मैं सीधे सीधे इन दोनों कार को कंपेयर करूं और अपना जेन्युइन रिव्यू अगर मैं आपको दूं तो यार प्लीज, जो भी MG फैंस है या जिनको भी कॉमेट कार अच्छी लगी, प्लीज बुरा मत मानिएगा, बट बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं इस वीडियो में एंड बहुत ही वैलिड पॉइंट है जो मुझे लगता है यार कि अगर मैं 800,000 रुपए खर्च कर रहा हूं तो मैं कॉमेट पे क्यों जाऊं जब दूसरी तरफ मुझे टियागो जैसी कार मिल रही है। बात करें यार, लोग बोल रहे हैं इसके डिजाइन को लेके, अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके डिजाइन की, लोग बात कर रहे हैं, कई रिव्यूअर्स को मैंने देखा, कई यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि डिजाइन खराब नहीं है बट डिजाइन यूनिक डिजाइन है। यार यूनिक क्या है, आप कार के डिजाइन देखो यार, मेरे को किसी भी एंगल से ये कार पसंद नहीं आई। आप इस कार को एज अ लाइक कार नहीं बोल सकते आप इसको, अगर मेरे को तो यार ये क्या बताऊं, मेरे को किसी भी एंगल से इसका डिजाइन समझ नहीं आया इस कार का। ये बहुत कॉम्पैक्ट साइज कार है मैं मानता हूं, इजिली रहेगा इसको किसी भी नैरो गलियों में निकालना, कहीं पे भी ऐसी जगह पे इजिली आप कमिट कर सकते हैं, एग्री विद दिस पॉइंट। बट यार मेरे को कहीं ना कहीं से भी ये कार ऐसी नहीं लग रही कि मैं इसको रिप्लेस कर पाऊं टाटा टियागो के साथ। अगर मैं टाटा टियागो लेना चाहता हूं तो मैं किसी भी एंगल से वो कन्विंस हो पाऊं इस कार को लेने के लिए, बिकॉज मेरे को कहीं से भी ये कार
लुक वाइज भी नहीं लग रही, डिजाइन वाइज भी मुझे कहीं से ये कार अपील नहीं कर रही। सो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी एंगल से इस कार को डिजाइन वाइज भी लेने के लिए एग्री करूंगा। बात करता हूँ यार, अगर मैं कंपेयर करूँ इसके बैटरी ऑप्शन के साथ, तो मुझे टाटा टियागो में इससे ज्यादा अच्छा बैटरी ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं क्यों फिर इस कार की तरफ जाऊँ। मुझे वहाँ पे 19.3 किलोवाट की बैटरी मिल रही है, यहाँ पे मुझे 17 किलोवाट की बैटरी मिल रही है। टाटा टियागो मुझे ज्यादा पावर और ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं क्यों 8 लाख रुपए इस कार पे लगाऊं। सिर्फ बात अगर ये रही कि यार इजी रहेगा कम्यूट करना और बहुत कॉम्पैक्ट है कार, तो मुझे तो लगता है यार इससे बेटर मैं कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लूं। मैं 8 लाख रुपए इसमें वेस्ट नहीं करूंगा। इससे बेटर अगर मुझे 8 लाख रुपए देने ही होंगे तो मैं टाटा टियागो की तरफ जाऊंगा, जहां मुझे एक प्रॉपर डायमेंशन के साथ एक अच्छी कार मिलती है, जिसको मैं सिटी एंड हाईवे। अब लोग बोलेंगे यार इलेक्ट्रिक कार है हाईवे, आजकल धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आप हाईवेज में भी देखोगे तो कहीं कहीं जगह आपको चार्जिंग स्टेशंस दिख जाएंगे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। तो ऐसा नहीं है कि आप इस कार को लेके, इलेक्ट्रिक कार को लेके आप हाईवे पे नहीं निकल सकते। बहुत लोगों को मैंने देखा है इलेक्ट्रिक कार के साथ हाईवे में ट्रेवल करते हुए। और बट अगर मैं बात करूं कॉमेट की, तो कॉमेट के साथ आप हाईवे में ट्रेवल करना आपके लिए आई डोंट थिंक सो पॉसिबल हो पाएगा। बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज है, एंड आई डोंट थिंक सो मैं कोई भी इसको हाईवे पे ले जाना प्रेफर करेगा। सो मैं 8 लाख रुपए ऐसी कार पे क्यों लगाऊं यार, जो जिसमें मेरे को हर चीज में मेरे को एक लिमिटेशन हो जाए, मैं उसको हाईवे पे यूज ना कर पाऊं, मैं सिर्फ एक सिटी पर्पज के लिए ही यूज करना है। तो टाटा टियागो में मुझे हाईवे एंड सिटी दोनों का ऑप्शन मिल रहा है, मैं दोनों जगह उसको यूज कर सकता हूं, तो मैं 8 लाख रुपए उस सेगमेंट पे क्यों ना लगाऊं। तो यार यही कुछ पॉइंट है इसमें, मुझे लग रहा है परफॉर्मेंस वाइज भी अगर मैं देखूं तो टाटा टियागो इज बेटर देन आपका एमजी कॉमेट। ज्यादा पावर ज्यादा टॉर्क आपको टाटा टियागो प्रोवाइड कर रही है, तो टाटा टियागो की तरफ मैं क्यों ना जाऊं, क्यों मैं एमजी की तरफ जाऊं। मुझे नहीं समझ आ रहा इस कार का क्या फ्यूचर है एंड क्या सोच के एमजी इसको लॉन्च कर रहा है इंडियन मार्केट में। मेरे को ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ये कार सर्वाइव कर पाएगी ज्यादा, और मुझे नहीं लग रहा है इस कार का, बिकॉज जिस प्राइस रेंज पे इसको एमजी ने निकाला है, अगर हाँ ये प्राइस रेंज 4 to 5 लाख के इन बिटवीन रहता तो मे बी कुछ चांसेस हैं कि शायद ये कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाती इंडियन मार्केट में। बट इस प्राइस रेंज के साथ सर्वाइव करना, जब आपके कंपैरिजन में आपके पास टाटा टियागो जैसी ईवी कार है इस रेंज पे, तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। एंड मुझे नहीं लगता कि कॉमेट ज्यादा कुछ परफॉर्म कर पाएगी एंड ज्यादा कुछ सेल्स यहाँ की मार्केट से निकाल पाएगी। बात करें और एक्सपेक्ट की, तो आप देखो इसमें आपको 12 इंच के टायर साइज दिए गए हैं। आप मैं मान गया यार कि आपने इंडियन रोड कंडीशंस के अकॉर्डिंग कॉम्पैक्ट कार बनाई है ताकि वो नैरो गलियों से निकल सके, बट आपने ये भी तो देखा होगा कि इंडियन सड़कें कैसी हैं, कितने गड्ढे कितने स्पीड ब्रेकर्स इंडियन सड़कों में हैं। ग्राउंड क्लीयरेंस कार की बिल्कुल ही ना के बराबर है, बहुत ही कम ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ ये कार आती है। तो आपको क्या लगता है कि इन इंडियन कंडीशंस में ये कार को आप ड्राइव कर सकते हो? थोड़ा ग्राउंड क्लीयरेंस, 12 इंच के टायर साइजेस हैं, बहुत ही कम टायर साइजेस हैं गाइस। उससे बेटर तो मेरे को टियागो में मिल रहे हैं, तो मैं क्यों फिर 12 साइज के टायर साइज के साथ जाऊंगा और क्यों मैं एमजी कॉमेट को लूंगा। तो मेरे को भी ये पॉइंट समझ नहीं आना, मुझे ये कार समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है गाइस, और 8 लाख रुपए लगाना इस कार में मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा। हो सकता है ये मेरी ओपिनियन हो और गलत हो सकती है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बिकॉज इस प्राइस रेंज में टाटा टियागो से बेटर अभी कोई कार नहीं है। अगर मेरे को जाना ही होगा इलेक्ट्रिक कार की तरफ, तो मैं टाटा टियागो की तरफ जाऊंगा। और क्या आपको एक इलेक्ट्रिक कार की तरफ जाना चाहिए या एक इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए, इस बारे में जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा एंड अपने पॉइंट शेयर करूंगा आपके साथ। अगर आप एग्री करते होंगे तो मुझे बताना, और अगर आप चाहते हो इस बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे बताना इस कमेंट सेक्शन में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में इस कार के बारे में तो यार मेरी यही राय है, मुझे ये कार बिल्कुल समझ नहीं आई। आप अपनी ओपिनियन मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, छोटी सी वीडियो थी, मुझे इस कार का यही बताना था कि ये कार मुझे समझ नहीं आ रही है। आई डोंट नो लोग क्या सोच के, जिनको भी ये कार पसंद आ रही है क्या सोच के ये कार उन्हें पसंद आ रही है। सो आई डोंट नो अबाउट दिस, एंड छोटी सी वीडियो है। इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।